आज हम बनाएंगे बेहद मजेदार माउथ वाटरिंग माइंड ब्लोइंग पनीर लबाबदार। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। ना हुक्म का इक्का बनना है ना रानी का बादशाह। हम जोकर ही अच्छे हैं, जिसके नसीब में आएंगे बाजी पलट देंगे। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल दिल से दुबई नवनीत। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार पनीर लबाबदार, जो कि आपने रेस्टोरेंट्स में तो बहुत खाया होगा, लेकिन आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार, वो भी घर पर ही, जो कि खास अवसर पर आप अपने घर में बना सकते हो। जैसे कि अभी फेस्टिवल्स का सीजन चल रहा है या आ रहा है, तो आप उन दिनों में इस ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार को बनाओगे तो फेस्टिवल्स को और भी चार चांद लग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हमारे किचन में और बनाते हैं पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो पनीर है। सबसे पहले हम पनीर की कटिंग करेंगे। मैंने यहाँ पे हाफ केजी पनीर लिया है, आप चाहो तो आप इसे क्यूब्स में कट कर लीजिए या आप इसे ट्रायंगल में भी कट कर सकते हो। पनीर को मैंने ट्रायंगल्स में कट कर लिया है। अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। लबाबदार पनीर की ग्रेवी का बेस बनाने के लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो है 3 मीडियम साइज के अनियंस, 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, 7-8 कलियां लहसुन की, 12 से 15 काजू चाहिए हमें और 6 टोमेटोस। खड़े मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 4 सूखी लाल मिर्च, 2 मोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ते, 5-6 लौंगे और 3 हरी इलायची। ये सामग्री जो है ये हाफ के जी पनीर के लिए है। अब हम एक पैन में 3 कप के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी में बॉयल आ गया है, इसमें हम ऐड कर देंगे सभी खड़े मसाले। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन, अदरक रफली चॉप किया हुआ और टमाटोज भी, जिन्हें कि मैंने ऐसे बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। इसी के साथ ही हम काजू भी ऐड कर देंगे ताकि वो भी सॉफ्ट हो जाए। और लबाबदार पनीर की जो ग्रेवी होती है वो खट्टी मीठी होती है, तो टोमेटो से जो खट्टापन आएगा उसे बैलेंस करने के लिए और ग्रेवी में मिठास लाने के लिए हम 1/2 टेबल स्पून शुगर ऐड करेंगे और थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे ताकि जो टमाटोज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं। और इसे हम कवर कर मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे, जब तक कि टमाटोज सॉफ्ट नहीं हो जाते। और जो अनियन है उन्हें हम रफली चॉप कर उनकी पेस्ट बना लेते हैं। अनियन को ग्राइंडर जार में हमने डाल लिया है रफली चॉप कर और इनकी हम पेस्ट बना लेते हैं। अनियन की पेस्ट बन गई है, हमें बिल्कुल ऐसी एकदम फाइन पेस्ट ही चाहिए। 8 मिनट हो गए हैं,
हमें टोमेटोज और बाकी के सभी मसालों को बॉईल करते हुए हम चेक कर लेते हैं। आप देखिए कि टोमेटोज कितने बढ़िया एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। आपको बस इसमें यही ध्यान रखना है कि टोमेटोज एकदम सॉफ्ट होने चाहिए, तभी ही ग्रेवी बढ़िया बनेगी। ये एक बेहद इम्पोर्टेंट टिप है कि आपने टोमेटोज को अच्छे से सॉफ्ट करना है। फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं। ग्रेवी के बेस का मिश्रण ठंडा हो गया है, अब हम इसका एक्सेस वाटर ड्रेन कर लेते हैं। इस पानी को आप बिल्कुल भी मत फेंकिए, जब भी हमें सब्जी में जरूरत पड़ेगी हम इसी पानी का ही इस्तेमाल करेंगे। अब हम इस मिश्रण को एक ग्राइंडर जार में डालेंगे और इसे हमने अच्छे से ग्राइंड करना है, एकदम इसकी फाइन पेस्ट तैयार करनी है। एकदम फाइन पेस्ट हमने इसकी तैयार कर ली है। आपने देखा है कि लबाबदार पनीर की जो ग्रेवी होती है एकदम स्मूथ होती है, इसलिए हम इसे भी छानेंगे। कोई भी इसमें सूखे मसालों का पार्टिकल्स होगा तो वो निकल जाएगा। मैंने ग्रेवी को छान लिया है और हमारे पास स्मूथ मिक्सचर ग्रेवी का आ गया है। और ये जो टोमेटोज के सीड्स होते हैं जहाँ जिंजर के रेशे होते हैं वो सेपरेट हो गए हैं। पनीर लबाबदार के लिए हमारी बेसिक तैयारी हो गई है। अब हम एक पैन में डालेंगे 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा। जीरा पॉप अप हो गया है, इसमें हम डालेंगे अनियन की प्यूरी। जीरे के पॉप अप होने के बाद इसमें मैंने अनियंस की पेस्ट को डाल दिया है। इसे हम मीडियम फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अनियंस इवनली कुक हो गए हैं, इन्हें मैंने 5-7 मिनट अच्छे से कुक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ बेसिक मसाले। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे इसका कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। नमक हमने इसमें पहले भी ऐड किया था ग्रेवी के बेस में, इसलिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे, अराउंड 3-4 टेबलस्पून, और मसालों को हम अनियन के साथ ही 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, इससे इनका कलर बहुत ही बढ़िया खिलकर आएगा। 2 से 3 मिनट तक मैंने सूखे मसालों को भी भून लिया है और कश्मीरी लाल मिर्च का बहुत ही बढ़िया कलर आ रहा है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी बेसिक ग्रेवी। अच्छे से हम इसे मिक्स कर देते हैं। अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब हम इसे कवर कर मीडियम फ्लेम पे ही 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ग्रेवी बहुत जल्दी थिक होना स्टार्ट हो जाती है, इसलिए आप इसे बीच में 1-2 बार चेक जरूर कर लीजिएगा। 5 मिनट तक ग्रेवी को मैंने अच्छे से पका लिया है मीडियम फ्लेम पे ही, और ग्रेवी का कलर बहुत ही बढ़िया हो गया है। और ग्रेवी आप देखिए कितनी गाढ़ी भी हो गई है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पनीर। पनीर के साथ ही हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसे हम कवर कर 1 से 1.5 मिनट के लिए और पका लेंगे,
ताकि सभी फ्लेवर्स पनीर के अंदर तक चले जाए और पनीर थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। 1.5-2 मिनट मैंने इसे और पका लिया है। खुशबू इसकी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आ रही है और एकदम मज़े का लबाबदार पनीर बनकर तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम इसमें 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे और फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गर्मा गर्म लबाबदार पनीर सर्व करने के लिए एकदम तैयार है। बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट 100% परफेक्ट पनीर लबाबदार बनकर हो गया है तैयार। ये इतना स्वादिष्ट है कि अगर आपको भूख है 2 चपाती की तो गारंटी है कि आप 4 तो खाएंगे ही। बहुत ही ज्यादा मजे का अमेजिंग, देखने में तो एकदम लाजवाब पनीर लबाबदार बनकर हो गया है तैयार। नॉर्मली जब हम पनीर लबाबदार बनाते हैं उसमें 2 टाइप की ग्रेवी का इस्तेमाल होता है, एक मक्खनी ग्रेवी और एक नॉर्मल ग्रेवी। लेकिन हमने बड़ी आसानी से घर में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से ही ढाबा स्टाइल पनीर लबाबदार बनाकर कर लिया है तैयार। आप भी एक बार इस तरीके से पनीर लबाबदार को जरूर ट्राई करिएगा, आप सभी टाइप्स के पनीर को भूल जाएंगे, ये इतना स्वादिष्ट लगता है। आप भी करिए इस पनीर लबाबदार को ट्राई एंड प्लीज सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक माय चैनल। दिल से दुबई नवनीत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।